हेलो एवरीवन, ये जो अपनी है ये अपनी है पार्ट थ्री वीडियो अपने स्कल बोन के ऊपर, जिसके अंदर अपन आज पूरा बात करने वाले हैं अपने नॉर्मा फ्रंटालिस के ऊपर। और इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको पूरा अपने चार्ट से समझाऊंगा। और ये पूरा चार्ट आप जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको HD क्वालिटी में मिल जाएगा और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ कि जब अपन अपने स्कल बोन को ऐसे फ्रंट से देखते हैं ना, तो इस पूरे फ्रंट व्यू को अपन बोलते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस। तो आज अपन इसको फर्दर और डिटेल में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी बोन है, कौन से फ्यूचर हैं, और मेनली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ फोरामेंस। उन फोरामेन का क्या कंटेन होते हैं, मतलब यहाँ पे मेनली क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हुआ, अपनी ऑप्टिक फोरामेन है, इन सारे फोरामेंस को मैं आपको डिटेल में आज पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी बोन के ऊपर। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 5 ये बोन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस नॉर्मा फ्रंटालिस में आपको एक बड़ी सी बोन दिखेगी, इसे अपन बोलते हैं फ्रंटल बोन। मतलब अपने नॉर्मल फ्रंटालिस में अपने अब जो स्कल बोन है उसके सुपीरियर व्यू में आपको दिखती हैं 5 बोन। उनमें सबसे पहले अपना आता है ये नॉर्मल फ्रंटालिस, तो एक आपको यहाँ पे दिखेगी नॉर्मल फ्रंटालिस। देन नॉर्मल फ्रंटालिस के बाद आपको दिखेंगी 2 यहाँ पे नेजल बोन, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है नेजल बोन। देन सिमिलरली 2 यहाँ पे मैक्सिला भी प्रेजेंट है, ये नीचे वाला हिस्सा, इसे अपन बोलते हैं मैक्सिला। तो यहाँ 2 मैक्सिला है। देन यहाँ पे एक मैंडिबल भी प्रेजेंट होगा, मेनली मेरे इस बोन साइड में मैंडिबल प्रेजेंट नहीं है, बट आपको पता है यहाँ पे मैंडिबल प्रेजेंट होता है। तो एक इधर मैंडिबल भी रहेगा और एक ये अपनी है जाइगोमेटिक बोन। ये जो पूरी बोन है ना, जो ये थोड़ा सा अपना बोनी एलिवेशन देती है चीक में, उसे अपन बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। तो अपने नॉर्मल फ्रंटालिस में आपको मेन ये 5 बोन देखने के लिए मिलती है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे फ्यूचर्स की। तो जैसा नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले अपना एक फ्यूचर है फ्रंटो नेजल फ्यूचर। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसे अपन बोलते हैं फ्रंटो नेजल फ्यूचर। तो यहाँ पे इस फ्रंटल बोन और इस नेजल बोन के बीच में ये जो आपको फ्यूचर देखने को मिल रहा है ना, इसे अपन बोलते हैं फ्रंटो नेजल फ्यूचर। देन फिर यहाँ पे एक प्रेजेंट है फ्रंटो नेजल के अलावा, यहाँ पे एक अपना प्रेजेंट है इंटर नेजल फ्यूचर। मतलब कि ये 2 अपने नेजल बोन के बीच में ये जो फ्यूचर प्रेजेंट है उसे अपन बोलेंगे इंटर नेजल फ्यूचर। देन फिर यहाँ पे एक फ्रंटो मैक्सिलरी फ्यूचर भी प्रेजेंट है, नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ये अपने फ्रंटल बोन और ये जो अपना फ्रंटल बोन है और ये जो अपना मैक्सिला है उसके बीच में, यहाँ पे ये जो आपको फ्यूचर देखने को मिल रहा है ना ये वाला, उसे अपन बोलते हैं फ्रंटो मैक्सिलरी फ्यूचर। फिर अपना ये है जाइगोमेटिको मैक्सिलरी फ्यूचर, मतलब कि ये जो अपना मैक्सिला है और ये जो अपने जाइगोमेटिक बोन है उसके बोन के बीच में ये जो आपको एक फ्यूचर प्रेजेंट है उसे अपन बोलते हैं जाइगोमेटिको मैक्सिलरी फ्यूचर। तो यहाँ पे ये अपने कुछ 5 बोन हैं और 4 मेन फ्यूचर हैं जो यहाँ पे अपने नॉर्मल फ्रंटालिस में प्रेजेंट है। देन यहाँ पे मैंने कुछ आपके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। यहाँ पे मेन यही पॉइंट लिखा है कि ये जो जाइगोमेटिक बोन जो है ये अपने चीक का एक मेन प्रोमिनेंस बनाता है, ये आपको पहले से पता है। उसके अलावा अपने जो नॉर्मल फ्रंटालिस है वहाँ पे 2 अपनी बोनी आई ऑर्बिट होती हैं जहाँ पे अपनी आई प्रेजेंट होती हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप इस चार्ट को डाउनलोड करके ये रीड कर सकते हो। देन फिर अपन बात करते हैं इसके मेन पार्ट पे, जो कि अपना होने वाला है इसके सारे फोरामेंस। तो ये फोरामेन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब अपन इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरामेन है, उसे अपन बोलते हैं ऑप्टिक फोरामेन। या बोनी ऑर्बिट देख रहे हो उसके अंदर ये वाला फोरामेन, ये जो दिख पा रहा है आपको, इसी फोरामेन को अपन बोलते हैं ऑप्टिक फोरामेन। अब यहाँ से क्या क्या पास होता है, तो मेनली यहाँ से अपनी ऑप्टिक नर्व और अपनी ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास होती है। मैं इस चार्ट में लिखना भूल गया ऑप्टिक फोरामेन को, आप इसको और ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये एक फोरामेन है, उसे अपन बोलते हैं ऑप्टिक फोरामेन। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और फोरामेन देखने के लिए मिलेगा, उसे अपन बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ना लंबा सा, उसे अपन बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, ये अपना है ऑप्टिक फोरामेन और ये है अपना सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो वाइवा में आपसे वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो इस तरीके से एक रॉड इधर लगा देंगे और आपसे बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो फोरामेन और क्या क्या स्ट्रक्चर से पास हो रहे हैं वो बताओ। तो आपको इसको बताने के लिए आप डायरेक्ट बोलना कि मैम ये अपना सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है और यहाँ से जो है अपनी कौन कौन सी चीज़ें पास होती हैं वो आप देख लो। तो यहाँ पे कुल मिला के अपनी एक लैक्रिमल नर्व और उसकी आर्टरी, देन फ्रंटल नर्व, देन ऐसे याद करो 3rd, 4th एंड 5th करेनियल नर्व्स।
जो है वो पास होते हैं। थर्ड करेनियल नर्व का नाम होता है ऑक्यूलोमोटर नर्व, तो उसकी सुपीरियर और इन्फीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, देन फोर्थ ट्रोक्लियर और फिफ्थ एब्ड्यूसेंट नर्व। तो यहाँ पे कुल मिला के आप ऐसे याद करो कि लैक्रिमल और फ्रंटल नर्व, देन फोर्थ, देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करेनियल नर्व्स पास होती हैं। उसके अलावा एक वेन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और एक आर्टरी रिकरेंट मेनिंजल ब्रांच ऑफ लैक्रिमल आर्टरी। तो मेनली ये इसके कंटेन होते हैं जो कि अपने पास होते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। और ये अगर तुमने वाइवा में बता दिया ना तो मैं सारे मार्क्स मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एक और एक फोरामेन फिशर होता है इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये यहाँ पे देखो, तो ये है अपना एक इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये था अपना ऑप्टिक फोरामेन, ये वाला, ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और ये है अपना एक इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो यहाँ से क्या पास होता है, यहाँ से पास होती हैं दो नर्व, मैक्सिलरी नर्व और अपनी जाइगोमेटिक नर्व, उसके अलावा इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल और अपनी वेन कनेक्टिंग इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो ये चार चीज़ यहाँ से जो है पास होती हैं। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फोरामेन की। मैं एक या वाला शायद मैंने छोड़ दिया, वो है अपने सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन। तो इस साइड तो थोड़ा टूट गया है वो। अगर तुम यहाँ पे देखो छोटा सा तुम्हें एक फोरामेन जो दिख रहा है ना, उसे अपन बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। यहाँ से मेनली क्या पास होता है, यहाँ से मेनली अपना सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड वेसल प्रेजेंट होती हैं, सॉरी पास होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन भी है। अगर तुम यहाँ पे देखो ये जो हो, ये अपनी ऑर्बिट के जस्ट नीचे, यह है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन और उससे अपना पास होती है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और आर्टरी। उसके अलावा यहाँ पे एक मेंटल फोरामेन भी है, वो मेनली आपको मैंडिबल बोन के अंदर देखने को मिलेगा। आपको पिक जो है दिखाई दे रही होगी अभी, वहाँ से अपने मेंटल नर्व और वेसल जो है पास होती हैं। मेनली मैं आपको बताऊँ, आपके वाइवा में सुपीरियर ऑर्बिटल और इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो तुम ये दो चीज़ अच्छे से याद कर लेना। फिर मैं तुम्हें बताऊँ यहाँ पे फीचर की, तो देखो ज़्यादा फीचर यहाँ पे वाइवा में तुमसे नहीं पूछेंगे, फिर भी तुम्हें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि गैबेला क्या होता है। अगर मैं तुम्हें बताऊँ ये फ्रंटल बोन में ये जो एलिवेशन देखने को आपको मिल रहा है ना, ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो आपको यहाँ पे मीडियन एलिवेशन जो देखने को मिल रहा है उसे अपन बोलते हैं गैबेला। फिर इस गैबेला के जस्ट नीचे ये जो आपको डिप्रेशन देखने को मिल रहा है ना, इसे अपन बोलते हैं नेजियन। तो ये है अपना नेजियन और फिर ये अपना ये है इंटीरियर नेजल स्पाइन। तो ये तीन ये जो फीचर हैं ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ये आपसे नहीं पूछेंगे वाइवा, सिर्फ आपसे फोरामेन ही पूछेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये अपना पूरा था नॉर्मल फ्रंटलिस, देन अब अपन इसका देखने वाले हैं नॉर्मल लेटरलिस नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।